किसज के सवर के दिलवा के घर में डलले बड़ो डका। ये मैं नहीं गा रहा हूँ, ये मरारा जिला के मैं भाई गवा तेरे संग। आज जो है तना स्वच्छ सवर के अज्ञान गांव में आई बड़ी। आज हम आपसे अपनी इस रिपोर्ट में बात करेंगे अपने एक ही गाने से रातों रात मशहूर हुए अरविंद अकेला उर्फ कल्लू के बारे। जी हाँ, राजा जी लगाई दे चुलिया में हुक, इस गाने से फेमस हुए अरविंद अकेला कल्लू। 9 साल की उम्र में गुड़िया जापानी और लव के टॉनिक पियल कर गाने गाकर पूरे भोजपुरिया क्षेत्र में छा गए अरविंद अकेला कल्लू। बिहार के अहिरोली गांव में चुनमुन चौबे और किरण देवी के घर जन्म हुआ। उनके पिता की शहर में तबरिक्षी की दुकान थी और वो कला में भी काफी एक्टिव थे और नव निकेतन मंच नामक नाटककार और डायरेक्टर थे। वो हर साल सरस्वती पूजा के अवसर पर नाटक करवाते थे। बचपन उन्होंने ही कल्लू के अंदर गायकी और अभिनय का बीजारोपण किया। हालांकि आपको बता दें कि कल्लू के दादा पुलिस में थे और उनको कल्लू के पापा और कल्लू का इस क्षेत्र में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कल्लू के पिताजी ने कल्लू को एक साधारण लड़के से ये यंग स्टार बनाने के लिए काफी मेहनत की है। बता दें आपको कि कल्लू अपने 4 भाइयों में से दूसरे नंबर पर है। बाकी 3 भाई पढ़ाई करते थे और आज के समय में कल्लू का परिवार वाराणसी में रहता है। कल्लू ने अपने एक इंटरव्यू में अपने नाम के ऊपर एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। जी हाँ, कल्लू ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कल्लू प्री मेच्योर बेबी के रूप में पैदा हुए थे और बिल्कुल काले रंग के थे। वो अपने इसी इंटरव्यू में बताते हैं कि उनके बचने के चांसेस बहुत ही कम थे, लेकिन वो बच गए। उनके पापा ने उनके रंग को देखते हुए उनका नाम कल्लू रखा, जो कि बाद में उनकी पहचान बन गया। वहीं आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि कल्लू के अंदर छुपा टैलेंट उनकी माँ ने पहचाना जब वो घर में परिवार के साथ अंताक्षरी खेलकर समय बिताया करते थे। उन्होंने ही उनके पापा को कल्लू को मंच पर गवाने के लिए कहा। जब उन्होंने एक शो में गाया और गाँव वालों की सराहना तारीफ उन्हें मिली तो वो काफी खुश हुए और रोज सुबह 5 बजे से उन्हें गायकी का अभ्यास करवाना, संगीत सिखाना शुरू कर दिया। कल्लू सुबह म्यूजिक कोचिंग करने के बाद स्कूल जाते और वापस आकर अपने पापा की दुकान के पास ही म्यूजिशियन के साथ रिदम पर गाने की रिहर्सल किया करते थे। उनके पिता के मित्र गुड्डू जी पांडे का अपना ऑर्केस्ट्रा ग्रुप था जिसके शो जाते थे। अभी वही कल्लू का काम मैनेज करते हैं। पहले तो लोगों ने की कम उम्र को देखकर काफी मजाक उड़ाया उनका। उनकी जुबान तब चुप हुई जब कल्लू ने साल 2000 में गवनवा कहिला ले जाइबा नाम का एक एल्बम किया। उनका तीसरा एल्बम अरविंद मिश्रा की बदौलत वेब म्यूजिक से लव के टॉनिक आया, जो कि खूब ज्यादा चला। उन्हें मेहनताने के रूप में एक फोन, मोबाइल फोन मिला। कल्लू का देवी गीत माई हो तनी आ जाए दशहरा में इतना पॉपुलर हुआ कि कल्लू हर एक घर में पहचाने जाने लगे। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि मात्र 10वीं तक पढ़ा कल्लू, लेकिन उनका हाई वोल्टेज एल्बम वाला गाना चुलिया के हुक राजा जी तब हर जगह हिट हुआ तो उन्हें फिल्मों के भी ऑफर मिलने लगे। उन्होंने पवन सिंह के साथ पहली फिल्म गठबंधन प्यार के में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। उनकी बतौर हीरो फिल्म साल 2015 में दिल भयल दीवाना आई, जिसके डायरेक्टर अरविंद चौबे थे। वो पवन सिंह को अपना गुरु मानते हैं। अब तक कल्लू 35 फिल्में आ चुकी हैं। उनकी 5 टॉप मोस्ट फिल्में हैं दिल भयल दीवाना, आवारा बलम, रब्बा इश्क ना हो वे, पत्थर के सनम, राज, तिलक है। वहीं उनके गाने भी बहुत ही ज्यादा हिट है।
अरविंद अकेला कल्लू को लेकर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट टू नाइन भोजपुरिया से आर्थिक रिपोर्ट। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।